अभी हम आ गए हैं एक नए इलेक्ट्रिक मॉडल की तरफ, जो कि अभी जो अभी देख रहे हैं इसमें सबसे आपको इलेक्ट्रिक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ईवी इंडिया 2021 का ऑटो एक्सप्रेस वे है, तो वन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का अभी मेरी चलती तो यहाँ पर देख सकते हैं। जरूरी फील्ड का जैसे जो वायर और चल रहे उसके वजह से इसको बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आपको ये मॉडल देखने को मिल जाता है। और ग्राफिक्स वगैरह भी वन फील्ड जैसे इसको बनाने की कोशिश किया गया, अभी होंडा और रॉयल फील्ड में देखने को मिलता है। तो हम इसको यहाँ पे आपको बल्ब देखने को मिल जाते हैं, एलईडी बल्ब, इसमें भी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एलईडी के साथ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ और ये आपको बड़ा सा एक वाइजर देखने को मिल जाता है, ये आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है। और तो पेट्रोल टैंक जो है इसको पेट्रोल टैंक पर आपको वन इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल जाता है। और ग्राफिक्स भी इसके काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, जो होंडा की CB 350 उसके जैसे इसका लुक देने की कोशिश किया गया। और ग्राफिक्स वगैरह भी जैसे कि ब्लू में आपको ग्रे ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक कंसोल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिकेटर वगैरह का और लाइट लाइटिंग पावर सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये कुछ ये जो ग्रेव रेल है ये काफ़ी मतलब बाहर से जो होते हैं उस टाइम की वैसे ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकिन हैंडल नहीं है। तो मैंने अपने अपाची RTR में जो पहले आपने वीडियो देखा था उसमें देखा, मैंने एवेंजर वाला जो वाइजर बड़ा वाला लगाया था ऐसे ही करके ये। तो इस साइड में देखें तो हैंडल बार की तरफ आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो आपको शायद चार्जिंग के लिए शायद कन्फर्म नहीं होगा ये तो नहीं रहा। बाकी यहाँ पर ऑन ऑफ और लाइट वगैरह सेल्फ के लिए, और यहाँ पे जैसे बाइक में आता है उस तरीके से इसमें आपको हैंडल देखने को मिल रहा है और स्विचेस देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छा खासा अनुभव है। और यहाँ पर चले तो बैक साइड में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और ये है क्रीडन का कुछ अनुभव का नाम है। यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ये भी चार्जिंग पॉइंट दिया गया, इसमें चार्जर होता है। तो ये कुछ अनुभव का बैक साइड में चल एक साइड से कुछ इस तरीके से लुक निकल के सामने आ जाते हैं। और टायर में अगर आप देखें तो इसमें यूरो ग्रिप के कुछ ऐसे टायर देखने को मिलते हैं। टायर साइज इसमें आपको 120-80-16-17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, तो ये आपको लगेज कैरी हो जाता है। और ये आपका लाइटिंग वगैरह टेल लैंप रिफ्लेक्टर ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो इस साइड में आपको सेम इसका हम थोड़ा सा निकल के सामने आ जाता है। और क्रीडन का ही मॉडल है, क्रीडन में ही आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अगर आप उसमें देखें तो इसमें तो आपको वाइजर देखने को मिल रहा है, इसमें है जो कि वाइजर नहीं है। तो लाइटिंग वगैरह आप इसका चेक किया, लाइट में यहाँ पर आपको क्रीडन लिखा देखने को मिल रहा है, और कलर में भी यहाँ पर आपको मेट ब्लैक देखने को मिल रहा है, और आपको मेटल में ये पेट्रोल टैंक देखने को मिल रहा है। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती, और ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 80-17 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। ये पेट्रोल टैंक जैसा लुक दिया गया, बट वहाँ पर आपको बैटरी यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसी अभी चार्जिंग करने के लिए इस साइड देख सकते हो। इसी में ही यहाँ पर भी आपको एक सेम कलर का लगा और एक्सीलरेशन देखिए कि 0-60 एक सेकेंड में, लेकिन हमें तो 95 किलोमीटर तक का पर आवर का आपको इसमें स्पीड देखने को मिल जाता है। सीटिंग कैपेसिटी 2 यह है, तो ये कुछ कचरे से मिल जाता है। तो जो आने वाला टाइम में आपको एक से एक आपको इलेक्ट्रिक बाइक हो स्कूटर हो या कार हो वो देखने को मिलने वाला है। चार्जिंग स्टेशन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम आएंगे वहाँ पे नेक्स्ट, फिर चलते हैं अभी दूसरे व्हीकल की तरफ।